हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट रवा डोसा, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी डोसे के जैसा लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये इंस्टेंट है, फटाफट बन जाता है, सिर्फ 15 मिनट्स में डोसा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। इंग्रीडियंट्स देखें उसके पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं रवा डोसा बनाने के इंग्रेडिएंट्स। इंस्टेंट रवा डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बॉम्बे रवा, 1/2 कप दही, 2 टेबलस्पून गेहूँ का आटा, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हमें चाहिए सोडा, और बैटर को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए पानी। सबसे पहले इस रवे को हमें मिक्सी में एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए मैंने रवा अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पहले रवा, फिर हम डालेंगे चावल का आटा, अब हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा, अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून शक्कर, और अब हम डालेंगे दही। दही डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे पानी की मदद से डोसे के जितना बैटर हम इसे बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर होना चाहिए, तभी हमारा डोसा बहुत अच्छा बनेगा। आप जानते ही हैं रवा जो है वो बहुत पानी पीता है, तो आराम से इसमें 1 कप जितना पानी लग जाएगा और अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर बन जाएगा। ये देखिए पूरा 1 कप पानी मैंने डाल दिया है। ये देखिए परफेक्ट लम्स फ्री बैटर रेडी हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि रवा है, थोड़ा पानी और पिएगा कोई बात नहीं। पहले हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसमें सोडा डालेंगे, फिर वी आर ऑल गुड टू गो। डोसा इंस्टेंट बनने के लिए तैयार होगा। बैटर को रेस्ट करें, हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं रवा जो था उसने पानी सारा सोख लिया है, तो बैटर थोड़ा टाइट हो गया है। हम थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देंगे, इसे एक बार अच्छे से क्विक मिक्स दे देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सोडा, अच्छे से मिला लेंगे। हियर वी गो, सो बैटर एकदम परफेक्टली परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, और अब हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। बस अब हम इस तरह से एक हीप लेंगे और डोसा स्प्रेड कर देंगे। ताकि जो डोसे का अच्छे से कलर आए, बस
अब जो हम जब तक यहाँ पे गोल्डन कलर आता है तब तक हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं सेंटर से डोसे का कलर आ गया है, बस इसी तरह किनारों में भी कलर आ जाए फिर हम इसे निकाल देंगे। डोसा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, यकीन कर सकते हैं आप, बिना फॉर्मेंटेशन के, बिना भिगोए, किसी भी झंझट में नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स में परफेक्ट डोसा बनके रेडी है। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है एंड इट इज़ परफेक्टली कुक्ड। देखिए इंस्टेंट डोसा रेडी है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चटनी और सांभर के साथ। आप देखिए, मैं इसको कट करके भी बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और यमी डोसा है। देखिए आप, टेक्सचर भी इसका अच्छा है, फील भी इसका अच्छा है और एज आई सेड टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ये इंस्टेंट डोसा, आप भी बनाइए फटाफट 15 मिनट्स में और यमी डोसा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फॉर द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।